जाए चुपे हो कहां मेरी बारी जी, ओ जाए चुपे हो कहां मेरी बारी जी, ओ पाके बिहारी जी गिरिवर धारी जी, जाए चुपे हो और भगवान ने प्रकट किया कृष्ण भगवान और उत्तरा ने दर्शन दिया, उत्तरा दर्शन पदा में पढ़ क्यों हे गिरधारी हे गोविंद मार मन से इलाज बचो, क्यों कई बात है क्यों चिंता करे, मैं आई को तो क्यों हौज करके बावत है तो आएगा प्रभु ब्रह्मास्त्र आएगा उठ देखो भगवान क्यों तू थार मन में दो मिनट वास्ते मात्र भाव ले रहा, दो मिनट वास्ते मात्र भाव ले रहा यानी माँ वालो भाव ले रहा, और जीव उत्तरा अपना मन में मात्र भाव ले रही तो संत महात्मा कहने के महाराज भगवान भी ने गर्भ में जान बैठ गया। अब भगवान गर्भ में बैठा है जो ही है जो को गर्भ रेखा ने आए टकरायो हो ब्रह्मास्त्र आयो और हम ही ठाकुर जी ने किया रवाना वे गोपाल जी, क्योंकि पता मत पड़ो आगा भैया भगवान अपनी बुआ ने गले लगाए और भगवान की बुआ थारी भक्तियों बहुत प्रसन्न हो और कहने के अपनी बुआ ने भी शंख चक्र और गदा और पद्म थारी रूप में माँ कुंती ने है जो को भगवान दर्शन दिया और दर्शन देने की बुआ थारा वंश रखी नहीं बिगड़ू तो चिंता मत कर क्यों है गिरधारी जज थारो हाथ है हे सांवरिया सेठ जट तू विराजमान है भी वंश तो कहीं बिगाड़ो हो सके, और कुंती ने भगवान कियो के कुंती बुआ थार कई छह जो को मांग आस्थान में दे दू बड़ो प्रसन्न हो, कुंती बुआ के भगवान बाकी तो अगली चीजा है थोड़ा दुख दे दे भगवान को नु कुंती दुख मांगियो थार लोगा ने भी मन में चिंता आई कि भगवान मिल जावे तो वो दुख कुन मांगे, अब आज तने भाई भगवान मिल जावे तो कई मांगी लिस्ट लेन बैठो आपने जब भगवान मिल गए तो लिस्ट ले लेना भगवान हो टेव तो है न भुजबंद भेजा तो चौका है रकड़ी शेर तो है न शीश फूल भेजा तो चौका है पाली आसू लेन ठेठ अजीन ओकियो गांव है जावलो मेरा न तक अपनी जमी भेजा तो चौका है बगड़ में चार पल्लोट भेजा तो चौका है मेर तार में स्टेशन में कल्याणी कट्टी उठे भेजा तो चौका है हाँ ट्यूबवेल भेजा तो चौका है
हर चीज मांग ले आदमी, पर कोई आदमी आ कर के मर दो लुगा दिया जो एक मारे भगवान यू वेचे जो, मारे भगवान यू वेचे जो, मारे पैया वेचे जो, हुन्नो वेचे जो, 10 लाख रे एफडी है, 15 लाख वेचे जो, 20 लाख वेचे जो, महीना में 1 लाख रुपये कमावा, 2 लाख कमा लेजो, ब्याज रहा 10 हजार आवे, 15 हजार वेचो जो, दांदरी बोरियां 200 घर में पड़ी है, 400 वेचे जो, भगवान 1000 बोरियां करे थाने, लेकिन वे बोरियां जद वे वेला जद थोड़ो गाया रे चिड़िया रे कबूतरा रे थोड़ो थोड़ो देबो करो जद परमात्मा करे ला अरबा अबार भाई थाने भगवान मिले वे थे कई मांगो कर एक तो मने खेत दीजो बीच में दीजो लाडी एक तू मने खेत दीजो बीच में दीजो लाडी अरे घरवाली ने छोड़ दीजो ऐसे ने दीजो पाड़ी ने मारा राम रघो नाथ मारा राम रघो नाथ इतरो वर तू मानी दीजो दोनों छोड़ो हाथ मारा ये बुआ आका ही मांगी अरे मैं थाने माता हूं मैंने एक बात बताऊं सुन जो एक माँ अपनी संतान ने 9 महीना गर्भ में रखे ओके कितनी दुख पाओ आप कितनी तकलीफ पाओ माताओं बैठी आपने ठा मिर्चा खाऊं दे को नहीं मीठो खाओ नहीं खाओ कितनी गोलियां खिचनी पड़े हैं और कोई हव हव कड़क मिल गई तो 8 महीना में घट पिसाई दे आपने ठाई दे आपने कौन नहीं पिसाई हुई छोको जे लेकिन पुराना बूढ़िया घटी क्यों पिसाओ तो धंटा है हानी हमें आज कल तो सपा का नाम जावे जो को शोर में यूं निबे डिलीवरी आ जो को ऑपरेशन हुई जावे और जो को 8 महीना तक काम करती नहीं बहन बेटियां बैठे जो को जरूरत इसको नहीं पड़ती ऑपरेशन भी संत महात्मा कहे कि महाराज जो मेहनती वंश क्रम वालों हुए उन्हें परमात्मा उन्हों जीवन रो बेड़ो पार हमेशा कर दिया करे कुंती बुआ भगवान को दुख मांगियो मैं आपने क्यों नहीं एक माँ जिन टाइम संतान ने 9 महीना गर्भ में रखे उन्हें मोटो करे उन्हें पढ़ावे उन्हें पनावे और मन में विचार करे अब हमारी बीनड़ी आएगी जो आप हमारा गोडा होडा दबाई पर मन में विचार करा दबाई क्या ना गोडा तोड़े नहीं तो जो कहता रहा माँ कई माता वहां मन में विचार करे बीनड़ी आई जो कहीं करा हाँ तो 4-6 महीने बेलरी भी इन पर जोधपुर लेती की चोरा में अबे महीना में कोई 2 महीना में एक बार आवे घड़ी 2 घड़ी रुके पांच जात्रा पपिया पापड़ फोन ना जाए तन बिन मारो कहीं जगह वेला जो को माँ अपने 25-20 साल रा मोटा करिया और उन बाद में भी मारी सेवारी केम आप पति पत्नी अगर बारे दिल्ली बॉम्बे अहमदाबाद सूरत कलकत्ता कमाउन वास्ते जानो चीजे सेवा चाकरी करने भले घने घर में लेकिन बार बार बिना 2-2 साल 4-4 साल में मुंडो ही घूम देखो और बच्चे तभी मारो कहीं जगह वेला सच में इसलिए कहते हैं कि इंसान रे सुख आवे नहीं जन वो कीन की लेर जावे और दुख आवे जन कीन की देर जावे कि सुख जब भी आता है कुछ लेकर जाता है बीनड़ी नाम रे हुक आयो तो बेटा लेती है कि सुख जब भी आता है कुछ लेकर जाता है दुख जब भी आता है कुछ देकर जाता है सुख जब भी आता है कुछ लेकर जाता है दुख जब भी आता है कुछ देकर जाता है फिर भी जाने क्यों मानो सुख तो ही चाहता है सुख जब भी आता है कुछ लेकर जाता है सुख आवे तो किसी की लेन जावे और दुख आवे नहीं जन देन जावे समझ आए इन वास्ते सुख आवे ना तो तड़प मत तो फूलो मत जब सुख आवे तो फूलो मत और दुख आवे तो तड़प मत क्योंकि सुख दुख तो जैसे जब रात होती है तो वापस सवेरा होता है उसी प्रकार दुख आता है तो सुख भी आता है अपन हवना मीना में तीज आवे नहीं सब जब थंटा अपन घर में आप हिंदू गलत जुल्लो जुल्लो हिंदू गलत नहीं गलत
तो नवा नवा पनीर का बीन दे जो लागो आपरी बीन ने हिंदा दे 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 देवे आपने उस झूले के अंदर कोई विशेषता देखी है भी झूला में बिन हिंडा में आप लोग अगर कोई चीज देखनी चाहो तो जीवन का उसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ के जो को झूलो अपा बहन भाई बहन भी झूलो खावे माँ बेटा भी झूलो खावे पति पत्नी भी खावे पर ज्यादातर त्योहार है जो को वो पति पत्नी ने माने के बीन दे अपनी बीनरी ने जो को झूलो खाड़े जो झूला देवे सहेलियां सहेलियां भी आपस में करे तो बताओ आपने जिन टाइम झूलो आवे तो झूला ने आपा हेंगो पहले दुकानदार आके देवा पहले लाड़ खेच ले जाओ झूले को पहले पीछे ले जाते हैं और फिर आगे ले जाते हैं यानी ये जो झूला है जो को हिंडो है ये जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है यानी जिंदगी जितनी पीछे जाती है परमात्मा एक दिन उसको उतना ही आगे ले जाता है विश्वास करने वाला होना चाहिए विश्वास होना चाहिए परमात्मा के अंदर आपका विश्वास होना यानी झूला जितना पीछे जाता है उतना ही जीवन को झूला आगे भी जाता है इसी प्रकार कभी कभी इंसान का जीवन कहीं पीछे चला जाता है तो वो फिर परमात्मा उसको आगे भी ले जाता है हिसाब किताब ब्याज अमेत करे भेड़ो ही कर दिया करे इन बातें कदे कोई घाटो नपो लाग जानी तो चिंता मत कर जो कि मारे घाटो नपो लाग तो घाटा नपा तो कर्म रहे जिन दिन परमात्मा की मर्जी वेगी उन दिन है जो हगड़ा खाडा भर दे चिंता करने की जरूरत को नहीं ऊपर वाला जब भी देता है तो देता छप्पर फाड़ के उसकी जब मर्जी होती सब कर दिला बेड़ा पार इन वास्ते जीवन में कोई प्रकार की चिंता मत कर दो विश्वास री बात बताओ अपनो विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए मैंने एक बात याद आई क्या होता को एक बात याद आए भाया एक बात याद आएगी विश्वास ही जो था आपने ध्यान है अपन गांव में कोई नव नव बींद पड़ लीजिए जब फंटा है जाता देव मात जाता देवे जाता देवे नहीं देवे है अब जाता देवे जन तान दिया ने कहीं करे कोई बूढ़ी झाड़ी तो हाथ चाह को नहीं कहीं करे के एक दो गांव मोहल्ला ने भाइया ने नवोड़ी बीरनिया ने मेल देवे और नाइन काकी ने मेल देवे कि भाई नाइन जी उठे हाथ जाते रहो अपन जो गांव का रिवाज है जो कि मासा नाइन मा थे हाथ जाते जो को थैली में नारियल ले जाओ मक्खन ले जाओ बाकला ले जाओ छोरिया हम जे लको जो को बढ़िया होल का किए चारों मेल है जो को फेरा लगाना जो जन तानता है अगर पक्की बात ध्यान में जिन्हें जिन्हें हाउल बढ़िया जाता दियोड़ी नहीं बेरू जी आला थांद्रा कने जिन टाइम भीरणी फूके उन टाइम दो एक छोरी आए जो को कांड में केवे है ये के कहीं के थर भी तू बात कर ले ठाबड़ गुंगा हो जाला के केवे कि नहीं केवे हाची को तने कई चतु बनी जो केवे कि नहीं केवे बेरू केवे बेरू जी आला थान कने जावे अरे देखो ए नहीं याद है बेरू जी आला थान कने उसने कोई बहु बाल कांड में के तो थर बिंदु बात कर लीजिए अब पुरानी टाइम भिन्नियां तो वाकई में बात नहीं करी रही ही जो कद में बिंदु बात कर लीजिए अब कोई नवोड़ी की जन क्या कोई मतलब और छह छह घंटा बचीट बोला थी मोबाइल में 24 घंटा बात कुछ कर मारो टापर कद कुंगा भाई मार तो हल्ला बोल दी हां जबकि पुरानी टाइम में जो आप लोग बिंदु मुंडो ही कम देखती पड़ी जे पति टापर दी को बी देड़ो है जो को बैठ बातें करती थी तो भेरू जी लाल बहन लोग की थोड़ी थोड़ा चुड़कारो कर लेती हम कहीं करे भेरू जी तो पहली घड़ा बैठो छह छह महीना पहले तो फोन बहन बातें कर लेते कहवे कि नहीं कहवे ये एक विश्वास है हमें अपने परमात्मा के प्रति विश्वास है सजनो चले मैं ताने कोई जाता नहीं बात याद आई जो के वो मारे कहीं का मने कहीं आज मारे घर ले आई जो कहूँ जाता याद आएगी बट मने कहीं ये बैठ बैठा नहीं बात याद आएगी मारे कहीं कुछ नहीं करना घना बैठा जो को नहीं बफच पता अबे मन में कहवे महाराज संत महात्मा कहवे महाराज के अपने गांव में आज भी रिवाज है के जिन टाइम बेटा ने पना लेना वहां जन बीनरी ने जाता दिया उन्हें ले जावा ये जाता कहीं है सचना इन्हें बारे में आपने बताऊं मैं जाता रो मतलब है कि आप अपनी बीनरी ने परमात्मा को मिलावा कह दे कि ए गांव रो हनुमान जी रो मंदिर है वो माता जी रो मंदिर है वो तेजा जी रो मंदिर है वो रामा पीरो है वो रेबारी बाबा रो मंदिर है वो सती माता रो मंदिर है वो माया सा बाप जी रो है वो केसरिया कंवर जी रो है वो जगदम्बा माता रो मंदिर है ये आप परमात्मा आप मिलान करावा हवा थाल करा हवा एक थाल कराने जने तंचा ध्यान है कि मोटी परात्र में लापी गलान कर दो और बिन बीनरी ने हैंगा ना हाथ तू कबा दिन वाला क्यों करने के बाद बीनरी नवी नवी एड बिन कहीं चाह दे रही है एक जेटानी एक फलानी पूर्ति उन्हें एक ही हाथे जो गुनो को इंट्रू कराए देवे कहता आते रहनी आना जेटानी आना नन ध्यान आखोड़ी ली गण ध्यान यूं कर कुरान कर ध्यान रखे तो दे आपा करा कि नहीं करा ये है अपना गाँव का रिवाज लेकिन शहर में तो भाई जी जाता देवे ही कोई जब थे बताओ शहर में कहीं करे छेड़ा में भीरनी ने अटैची में गब्बा दाल 10-15 दिन बाहर घूमने वास्ते मेल देवे उन हनीमून के कहीं कहवे हनीमून तो मैंने कोई एक बात याद आई जोको के वो हनीमून रे एक कोई नवो नवो एडो इज बंदो पटी जो
पैती चौथी पर वेको जो कभी इन्होंने मिली इसको नहीं ना बेनो जी ने हनुमान जी ने थान माते जाजा आन माँ बाप काया बग्गा जन कटे भी इन्होंने मिली ती पैती किलाड़ भी इन्होंने बजा रखा तोली वे तकड़िया बैठा हाँ ये ठाकुरी बात अबे वो बंदरों पनीर जन आएगो अबे शहर हो शहर में जाता तो देखो नहीं बुढ़िया बंदरिया तो देता नवरा चोरा देखो नहीं कि कहीं करते बाहू जी जानियो आगे बंदो आपने दे 15 दिन बाहर में ना डाली भाई डाली बजड़ी ही अब हाउ जी मन में विचार करियो कि इन्हें बारे तो मेला अपन छोड़ी थकोड़ी है कि इन्हीं खाएं जे गर्मी रो मौसम है बीमार बीमार पड़ गई तो जीव ने पंपाल हो जाई जो कि ब्याह में बची और की कोई थोड़ी काजू बिदमान एक चक्कू एक गिलास थोड़ी लून थोड़ा सा शक्कर की थोड़ा गण बची और का कहीं है कोई नींबू विम्बू निकाल दिया ने बीन दिन किए बेटा और छोड़ो तो लापरवाह है और तू देख मारक में भूखा मत मर जाए जीव दो रवे तो नींबू रोयो सिकन जी बनान पी लेजे थोड़ी गणी है जो काचू भी दमा गर्जो को खा लीजिए बेटा ये भूखा मत मर जाए बीनरी मन में विचार करियो कि लोग कहे हव तो खोटी वेवे पर मारी हव तो छोकी देखो आवती रही काचू भी दमा गर्जी हव मिले तो एड़ी मिले बीनरी ना राजी ने कियो हव जियो चिंता मत करजो मारो ही ध्यान राखो थार बेटा रोई घणो ध्यान राखो हव जी बीर कर दिया अबे अपन गावण में बार मान लो अपन गांव री बीनरी वेवे तो अटू कहीं करियो जोधपुर तक तो स्लीप पर गाड़ी आवे सपड़ी अड्डे का ऊपर जेड़ी गाड़ी में तो ऊपर होने भी जगह है तो बीनरी ने बीन में बैन लेगो तो बीनरी मन में विचार करे वारे परमात्मा बीन मिले तो एडो ये तो बढ़िया बीन मिले जो आवती नहीं ऊपर सीट मत रहनी अबे वहां बीन ने हाथ की मारे कर में आनंद कर गाड़ियां देखे वो कहीं बिस्कुट खा रहे कहीं कुरकुरा खा रहे कहीं बात चॉकलेट कहीं के क्रीम एंड डेरी मिले कर फलाना पोजना खा रहे बीनरी राजी दिए के बंदो इंद्र मिलियो जो आपने मिलियो मन में विचार करे वारे परमात्मा बीन मिले तो एडो बीन मिले जोधपुर ले को चित्र पहले दिखाई दियो किलो दिखाई दियो और आतना रेंद्र में अहमदाबाद वाली बैठ दी अब रेंद्र में भाई तो पहली बार इस बैठ गांवरी भाई रेंद्र में पहली बार इस बैठी रेंद्र में बैठी ने बाप पति देव ने कियो होनी सीटान ए रेंद्र में कने गुल प्यालो आवे ने कने चाट पकड़ी आलो आवे ने कने बा कई पवना आवे ने छोरी मन में विचार करे छोरो खच्चो खड्डो करे बींद मिले तो तारे भगवान घना है जो को एक रामना करिए तो बीन तो सो कोई मिलियो दो एक दिन अहमदाबाद में भाई घुमाए दियो और घुमाती घुमाता ऊपर हवाई जहाज निकली और के छोरी आंगने में चिकन की पति देव आ कहीं है कि हवाई जहाज है जो तेरे मंदिर काट दो गनी में बैठ दो गनी को तनी जानी आपा ने कद मौको मिली हाल तो न्यूता पाती रान ही कबाड़ जरा पैदा का सा और देखो इन्हें लाड़े खर्च कर और भाई ने बैठ दी हवाई जहाज में ले गो मुंबई और हवाई जहाज में बैठी बैठी आकाश में उड़ती उड़ती करे बींद मिले तो एडो मिले वासा मुंबई की पड़ी 2 दिन मुंबई में वे उपमान चावल उत्तपम इडली डोसा खड़िया मन में विचार करे भगवान कहीं बींद दियो है बींद मिले तो एडो मिले के और उठे कहीं है कि मुंबई हो एक 50 किलोमीटर कोई पानी वाली हाचा समुद्री जहाज एक जगह है गोवा नाम की उठे कहीं है कि वह बीरणी उठे ले गो और उठे जो बात छोरी चक्कन बकन वेगी पानी इज पानी में ज्यादा हले लोक में तिरे देखे ना अपने पतिदेव के पतिदेव वो चालो तो पहली बार ही देखियो अपन जोधपुर साइड में नागौर साइड में अपन तोटी ने तो है को नहीं अरे कहीं मई हले जन के देख हरित माता हले जो को तो कारा जीपा गाड़ियां हले छिल्ला माते रेल हले आकाश में हविजाज उड़े जीव जीव अपन ही माते पेवी ने जाज के अंग्रेजी में शीप के क्या धनी हगली जगह बैठ दिया आ मन में क्यों रखे ये मैं बैठ देखा नहीं और वो पति देव मन में विचार करियो आ कद कद के और अपन ही पांचों मौको मिली को नहीं पच घर ग्रस्त्री जीव में जंजाड़ में फंसे हैं बाद में कोई गोवा है कोई जोधपुर है कोई की को नहीं पच घर है ग्रस्त्री है और टिकट ले मैं बहनी के बाप बट भाई मन में विचार करे बीत मिले तो मिले के हैं कि जगह मत बैठ दी हमें संत महात्मा कह रहे कि महाराज अब मैं दोनों ही उठ नाव में सवार गया तो बिन जज में तो बिन जेड़ा कोई बच्चा जोड़ा उठे बैठा कि उठे तो हगला ही घूमने जावे भाई मिंद्र में हगला भजन में जावे भागवत में है कीर्तन में जावे फेमीन माते हगला वरक करने जावे तो उन्हीं प्रकार भी जगह माते 50-40 एक जोड़ा बिन हाची मोटी जज में बैठा कोई भी बीन नहीं आड़ी तो बंदरों ठाकुरो कोई भी बंदरों ठाकुरो तो बीन नहीं आड़ी हार आपस में बैठा नहीं अब बे उठी हनीमून माते जावे जो कोई राम जी ने भजन तो गावे को नहीं अब गाना गावे तो 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 तारा दिल मिल गया तेरा मेरा अबे भाई जी गाना गावे अटनूर समुद्र में तूफान आवनो शुरू हो समुद्र में तूफान आवनो शुरू हो और बा किश्ती है जो अपने डिग में गावनी सूचना करू
समुद्र में तूफान आएगो, किस तिथि में वो आएगी, और मैं 40-50 जोड़ा बैठा जो को कह तो जिंदगी में राम जी का नाम कौन लियो, और कह अल्लाह तौबा करना रुक गया। अब राम जी याद आया क्यों क्यों के दुख में सुमरण सभी करे, बेटा मिर्ची पड़ान कचौड़ियान गुलाब जामुन खाता जितने राम जी ने हम ही को देखियो, और जे मान नाव डूबनी हरु भी हिचको लावना हरु भी एटीट्यूड भाका बेटा परमा हरु भी उनते परमात्मा ने याद करियो के दुख में सुमरण सभी करे और सुख में करे नहीं कोई, के जे सुख में सुमरणी करे भाई दुख कहे को होय, के तो राम जी ने नाम ही कोनी जाता ही कोनी दीवी, और के हनुमान जी थार हवा मणि कर दे वो जान बचाई दे, हे रामा पीर हे रे बारी बाबा हे जगदम्बे माता आप अपना देवता ने बेटा मनावना हरु बिया, कोई शनि महाराज ने शनिवार है नी, हाँ कोई शनिवार दिन शनि महाराज ने मनावना हरु बिया, अबे देवी देवता ने मनावे कोई तो जागरण बोले, कोई हवा मणि बोले, कोई है जो को होनारो छत्र बोले, जीव आप अपना जाओ विवेक जो बोले, लेकिन वो बुन पतल की बींदरी वालों बड़ो चुपचाप बैठो वो की नहीं बोले, हम तो मुंडे बिल्कुल बोली को नहीं बा बीन 10-15 मिनट तो है टीडीवी, पर आखिर में थान जाए औरता में और बा झंझड़ दियो बीन ने किया धनी तरह हिया की बुटा, कोई तो थाली बोले कोई जागण बोले कोई जम्मो बोले कोई की बोले, तू चुपचाप बैठो मर जावा इतना दिन तो कहती भींद मिले तो ऐड हो नबी के हिया की बुटा है चाचा चारती जीते तो भींद मिले तो ऐड हो, और अबे जीव ही मौत आई और भींद ने झंझड़ा दिया दो एक अब झंझड़ा दिया तो वो भींद लई हेणो जानियो के बार इन छोटी मोटी चीज बात कहते हो तो कही के आदमी छोरा में लकनी कोनी लुगई ने कहीं छेड़ दे बोला चुपचाप बैठ रियो और चुपचाप बैठ रियो ने अड़ू कहीं करियो कोई पानी रो हल्लो जपता है जो को कुंडो तो एक पानी में हजार जो मैं जिप्टे पड़ियो तारे भाई रा कौन बताया, और भींद ने लीली आई जो सब तो कड़ी तो भींद रो एक फसेना दिया तो एक बचन दिया के भींद ने लीली आई देखो थेलो हिलियो के थेला में चक्कू दी के उनके भींद वो चक्कू बारे काट और भींद ने गला मात्र कर के बोली बोली मर जा और पानी में तो डूबन पच मर ने मार गड़ो बाद ने मार पटक दूला था बाप ने जान नहीं पड़ता करने मारियो इतो की और बा भींद ने कहते रोती कहते मर जाऊं रे अरे मर जाऊं रे, और जो ही गला मात्र चक्कू रखी उनके भाई हंसने हरु गई गला मात्र चक्कू रखी और भाई हंस रही है, और वो भींद कहने कई बात है तू हंसे की करे मैं तारो गला माते चक्कू रखियो थने मारना आलो अबे थोड़ो को छुप ढूक गई, और थारे गला माते मौत आईडी तू हंसे की कर, और बाके नहीं नहीं थे मने मार नहीं सको जको हंसो के मार क्यों नहीं सको गला माते चक्कू है थे मारा पति परमेश्वर हो मारा भगवान ने बराबर हो, और कोई पति अपनी पत्नी ने यूं मार नहीं सके मन थार माते विश्वास है के ये हाल फेरा खया ने दिन छे विया है और थने मार माते इतो विश्वास है ए हां थे मारा पति परमेश्वर हो मने थार माते विश्वास है कि थे मार नहीं सको जन क्यों गेली थने छेदी नहीं या फेरा खायोड़ा पति ने परमेश्वर माने और उन माते विश्वास है तो मने भी जगत पति माते विश्वास है कि वो मुझे मरने नहीं देगा वो मुझे मरने नहीं देगा, अगर तुझे संसारिक पति पे विश्वास है कि मेरा संसारिक पति जो है मुझे इस नाव के अंदर डूब के मरने जो है चक्कू से वार करके मारेगा, तुझे इस पति पे विश्वास है तो मुझे मेरे उस जगत पति पे विश्वास है, उस पे विश्वास कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा, ये दोनों यूं का करता जीते तो नदी रूपी नर आएगो नीचे उतर का, मतलब क्या है साहब, मतलब यही है कि आपको उसके अंदर विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा के अंदर, जिसने विश्वास कर लिया, जिसने कहे कि भगवान के घर में देर है लेकिन उसके घर में अंधेर नहीं है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास करना सीख लो, जिसने भगवान के ऊपर विश्वास कर लिया उसके जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, उसके जीवन में ना अन्न की कमी होगी ना धन की कमी होगी ना जो है वंश की कमी होगी, उसका वंश भी बढ़ेगा उसका अन्न भी बढ़ेगा उसका धन भी बढ़ेगा और परमात्मा उसके घर में। और बच्चों सवाल कैसा मर जावा तो मरना में तो सीधी बात है कि उमर आया है गण जानो है कि आया है सो जावसी और राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंदे जजीर सजना यहाँ आना जाना तो चला रहता है, सिर्फ जिंदगी में खुश रहना सीखिए हमेशा। अंग्रेजी में कहावत है कीप स्माइलिंग एवरी टाइम बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट देयर इज नो टाइम टू हेट एंड वेस्ट, हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ पर किसी से नफरत करने के लिए एक मिनट का समय नहीं है, हमेशा खुश रहो हमेशा मुस्कुराते रहो। रे मन निवा नाश्ते में गाते हुए सुनी रे मन निवा राखी नी बिसी बात सबरिया ने भूल कानी रे, रे मन निवा राखी नी बिसी बात राम जी ने भूल कानी रे, भूल गाई रे सवरिया ने भूल गाई रे, रे मन भरा अरे बाप के नहीं
ਜੀਵਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕਾਈ ਰੇ ਬਜੋ ਤਾਲੀ ਸਮੀ ਨਾਚਣੇ ਗਾਦੇ પ્રવેશ કરા બહુત બહુત ધન્યવાદ સર, બહુત બહુત જોરદાર તમારા સર સ્વાગત. એનું સ્વાગત તો કરો ને, સાલો ડો સબને સાલો ડા સ્વાગત કરો. અને આજે નહીં આવે તો ઉઠામી લીજા નો ડાય તો મેં જીનું નામ લઉં આવો સા મંચ માં, તો આપણે સાલો ડા સ્વાગત કરો.
और काले कुछ बहन बेटियां जो बाजरे में पैर दिया एनो भी स्वागत को नहीं देखो मैं बताऊं काले रोन आज रो दोनों का नाम बोलो जकड़ो स्वागत नहीं है जो पता जो सा संजय जी सोनी वीर मराम जी देवासी मोती गिरी जी गोस्वामी लक्ष्मण सिंह जी बानोबना राम कुमार जी चौकीदार बिया राम जी चौकीदार बाबू जी कसवा वीरेंद्र जी सुरेंद्र जी माता जी मिश्राम जी कुड़िया लक्ष्मण जी ठेकेदार घनश्याम जी जांगीर हनुमान जी अजीपाल जी खोकर भगत सिंह जी राठौर राजेंद्र जी कसवा बीरमाराम जी व्यास पूराराम जी कसवा ओम सिंह जी रविंद्र सिंह जी राठौर सुनील जी पारिक जसाराम जी खालिया तुलसीराम जी कसवा बियाराम जी देवासी बलराम जी देवासी नीमाराम जी देवासी देवासी और एक रोहिणी भी स्वागत अभिषेक सिंह जी शेखावत कैलाश सिंह जी और जय सिंह जी पूराराम जी कोड़िया और साथ में परशुराम जी देवासी मोतीगिरी जी पूजा कसवा मंजू देवी रामचंद्र जी कुड़िया उठो दीपक जी पारिक उठो और शिव जी बाबू एन करूँ जो भी मैं जिन्होंने नाम लियो जो कृपया मंच माने बता रहा हूँ मेरा स्वागत है जोरदार ताला साथ स्वागत वंदन अभिनंदन और स्वागत अब संत महात्मा केवी के महाराज संत महात्मा केवी महाराज ये सभी पांचों पांडव बात पांच मिनट और कथा है पांचों पांडव जो है जिन टेम पुत्राल गड़बड़ी रक्षा देगी कुंती मैया ने भगवान दर्शन दे दिया और पांचों पांडव कुंती मैया द्रौपदी ये सब लोग है जो को जो भीष्म पितामह तीरारी शैयारे माते होता है उठ गया भीष्म पितामह पर नींद और तिरानी सैयार माते जिनते आज और काले ना जिन्ना भी भाई स्वागत बाकी है जो सब आ जाओ जिन्ना भी आज और काले स्वागत बाकी है सब मंच पे लगा जावे आओ सा जाओ ऊपर अच्छा खाली गेल से गाड़ो भजन मैं नशीन जाते दो एक भाई तो 65 किलो ऊपर थे पत्र कितना बोलियो गाड़ो भजन हलो है भजन हलो जन मतलब खाता पीता कर रहा भाई और यूं तो ठाकुर ही खाता पीता कर रहा है पर थोड़ा सो थाण मामला हो गया पैस के लिए ऊपर है तो ना दो पता कर दो दाने तो हेलो करो तो दान नहीं हेलो करो दो ढाई अरे साल को ना मास साल कटे अरे हटाओ बचाओ तो दे बोतल ना दे दो भाई थान खाली में हेलो भाई हाँ बेटो पोतो सब भगवान ने पोते ये पोता नहीं कोई राम राज जी हाँ चालो बोलो ना बड़ी जी डाल लो धारे गाड़ी रो मैं तो कहूँ भैया तालिया मैं भागत कतम थान का नहीं तालिया बजो क्या जगो बजा वाला ताली भी नहीं घरे बाजे ला कहाँ से भी ताली नौ नौ मिनो बेला वे बेला हल्ली बजाए जगह तो बजाए जाओ जितनी तालिया बजो ला करने तालिया बाजे ला कई तकलीफ भगवान रो दान गणे दियो रो मुंह गणे दे मोट गणे दे बाजी जवार गणे दे राम नाम सुंदर कर ताली और संशय विहग उड़ावन हारी यानी ताली का मतलब ये है कि परमात्मा का आनंद लेते रहो ईश्वर का जो आनंद लेता है जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नहीं अमीरी में सालो दो मां सर बहुत जोरदार तालो सब स्वागत वंदन अभिनंदन साधुवाद और स्वागत भगवान की कथा है और इन कथा में आप सब रो आनंद मंगल रहे संत महात्मा के भीष्म पितामह ने कहा हकड़ाई किया और पांचों पांडव हाथ जोड़ प्रणाम करिया क्योंकि पग तो लाग नहीं सका कहे जीव तोड़ा रहा हूतोड़ा पग नहीं लाग रहा अब प्रणाम करने की पितामह आज ऊपर आ जाओ भाई साहब आ जाओ चिंता मत करो और आ जाओ जाओ बुट बुट डोगे छिड़ गया श्री शाल जी थे तो बहन बैठी हो बहन बैठा तो यही हक हल्लो पड़े अबे पांचों पांडव है जो को पांचों पांडव भीष्म पितामह ने कहे भीष्म पितामह आप मारा वंश रहा पुरोधा पुरुष हो और मोटो मारा वंश में कोई को नहीं मान कने राज आएगो पर मान राज अंबाल में को नहीं हो जो मान कुछ राज नीति बताओ धर्म नीति बताओ युद्ध नीति बताओ जन के युद्ध नीति तो बताओ को नहीं युद्ध नीति के कारण तो हैंगारो खात्म हो गो राजनीति बताओ जो को छो को राज करनो कोई ने दिल मत दुख जो अयोड़ा शरण में अयोड़ा लाज राज जो को बात बतायो और करता करता है जो को एक शब्द पूछ के महाराज क्षत्रिय रो धर्म कई क्षत्रिय रो धर्म पूछियो और भीष्म पिता मेरे मोनो निकल गो क्या भाई शरण में अयोड़ा लाज राखनो क्षत्रिय रो धर्म है और द्रौपदी कने ओ भी जगन हंसो आए अब एक नारी
भीष्म पितामह हमारा अपन गांव री कोई गरीब बीन में दादी और मुंडा के हंस सके कई बूढ़िया जानी चिट्ठी पत्र ते कोने कटु लाया रही ने भीष्म पितामह ने मुंडा के हंसन डूगी और भीष्म पितामह के द्रौपदी कई बातें थारे मुंडो हंसो के निकलियो और द्रौपदी हाथ जनन के पितामह हंसो तो यूं जाएगो क्यों भीष्म पितामह क्यों नहीं तू कोई साधारण नारी नहीं है जो को जचे जचे दांत काट ले तू क्षत्राणी है उन बाद में तू है जो को हस्तिनापुरी आज महारानी है पटरानी है अब राज्य मालिक तू है और थारे मनो हंसी निकली जो को कोई न कोई राज है कि पिता मैं यूं आएगो क्यों देख मैं मर्त काले हूँ मैं अंतिम समय में हूँ मारो झूठ मत बोल सच बता देने की पिता मैं नाराज नहीं हुआ तो बताओ कि बेटा मैं तो नाराज कोई हूँ ही को नहीं कि अब आप फरमायो कि क्षत्रिय धर्म है कि शरण में आओ इलाज राखो कि हाँ बिल्कुल कि जन बौद्ध शासन साड़ी खेची उठे थे उठे बेटा दुशासन साड़ी खेची उन टाइम थे उठे बेटा थाने थानालो धर्म हित गियो जन किए बेटा बा मारी भूल ही बा मारी भूल ही जगत के कारण शरीर में सैकड़ों तीर लागो रहा है और दूसरी बात क्षत्रिय धर्म के साथ में एक और धर्म होता है जिसका नाम है राज धर्म जिसकी खाते हैं बाजरी उसकी बजाते हैं हाजरी इन वास्ते बेटा उन टाइम में थोड़ा सा क्षत्रिय धर्म भूल गो वाकई में भूल गो और उन और दंड है जो को मन मिलियो आज मारो शरीर में रोम रोम में तीर फसियो रहा मने क्योंकि दुनिया में हर आदमी ने अपना जुल्म री सजा मिलिया करे आप लोगों ने अगर याद रहे तो युधिष्ठिर रे आगे धर्मराज लागो रहे धर्मराज युधिष्ठिर लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक मिनट वास्ते है जो को नरक मिलियो रहे युधिष्ठिर के आगे धर्मराज लगा हुआ है लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक मिनट रो नरक मिलियो रहे आपने अगर ध्यान में तो बार मैं क्यों जन कहो हाँ सा हाँ बात तो मन था के जिन टेम कौरवा और पांडवा युद्ध भी हो उन टेम द्रोणाचार्य गुरु ने रस्ता हटाने वास्ते एक चाल खेली भगवान कृष्ण और भीम जी ने किया कि इन्हें अपनी टीम जो को इन्हें युद्ध क्षेत्र में एक हाथी है जो नाम है अश्वत्थामा जो को अश्वत्थामा नाम रहा हाथी ने मार दे द्रोणाचार्य जी ने शपथ लियो ही कि अगर मारो बेटो अश्वत्थामा मर जाए तो मैं युद्ध छोड़ दे और द्रोणाचार्य जी बहुत विनाश करता चले भगवान कृष्ण छल नीति अपनाई और द्रोणाचार्य ने खत्म बनाने योजना बनी जो भीम जी ने कियो कि भीम तू है जो को युद्ध में है जो को आधे टेर में जान हाको कर जे मैंने अश्वत्थामा को मार दिया अश्वत्थामा को मार दिया अश्वत्थामा को मार दिया और भी अश्वत्थामा नाम रहा हाथी ने भीम जी मार दियो और मार हाथी ने मारियो हो और जबकि द्रोणाचार्य जी महाराज रहा बेटा रो नाम अश्वत्थामा है और हाथी रो नाम भी अश्वत्थामा और भीम जी दौड़िया दौड़िया जान हाको करियो पूरी शाह में आम अश्वत्थामा हतम चाह मैंने अश्वत्थामा को मार दिया अश्वत्थामा को मार दिया अश्वत्थामा मार दिया द्रोणाचार्य जी ने विश्वास को नहीं दियो क्यों द्रोणाचार्य जी ठा हो अश्वत्थामो अमर है उन्हें संसार में कोई मार नहीं सके उन टाइम द्रोणाचार्य जी ने विश्वास नहीं हो और भीम जी जान हाँ भी द्रोणाचार्य ने क्यों मैंने आपके बेटे अश्वत्थामा को मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया और उन टाइम भगवान कृष्ण का ही करियो कि मैंने ठा ही कि द्रोणाचार्य जी और तो किन्हीं नहीं पूछे लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने जरूर पूछी और युधिष्ठिर जी जिन टाइम मुंडा के दिया तो कह रहे कि कृष्ण भगवान जोरदार ढोलन नगाड़ा बजावना शुरू कर दिया जो कोई आपस में हुरिस्त को नहीं और द्रोणाचार्य जी महाराज विश्व में जो भीम जी ने पूछा इन्हें युधिष्ठिर ने पूछा कि युधिष्ठिर बाकी माते तो मैंने विश्वास को नहीं पर तू बता वो कहे कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया तो क्या अश्वत्थामा मर गया है उन टाइम धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलन की होगा हाँ महाराज अश्वत्थामा हता नर वा कुंजरो वा आवाज में हुरन को दी भी हो कि हाँ अश्वत्थामा मर गो लेकिन नर हो कुंजर यानी हाथी हो इन चीज को मैंने पता को नहीं और इस प्रकार में झूठ बोलगा और बिन झूठे परिणाम एक मिनट वास्ते झूठ बोलिया बिन कारण है जो को धर्मराज युधिष्ठिर जिन टाइम ऊपर गया तो मैंने भी एक मिनट रहे जो को बा जेल भुगतनी पड़ी एक मिनट नरक भुगतना पड़ी क्योंकि आदमी को अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है चाहे दुनिया इधर से उदय हो जाए जे सच के भाग्य में होता हो जैसा जो भी कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाता हो जैसा जो भी कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता मेरे दाता की दुकान में सब लोगों का खाता जैसा जो भी कर्म करेगा अरे जैसा जो भी कर्म करेगा वैसा ही फल पाता मेरे मालिक
मोहन जीवन धनिहार बारी दर्शन तेरी आरती का हरी तेरी आरती का गोविंद बोलो हरि गोपाल गोरा गोविंद बोलो हरि गोपाल गोरा गोविंद बोलो हरि गोपाल गोरा राधा रमण हरि गोविंद गोरा राधा रमण हरि गोविंद गोरा राधा रमण हरि गोविंद गोरा बोलो रे बेलिया अमर देवारी व्यवस्था कर देवे।